नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। हम आपको समय समय पर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कई समस्याओं को हल कर सकती है, कई बीमारियों का इलाज बन सकती है, उन जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो पहाड़ियों पर ठंडी जगह पर उगती है और वो मिलनी भी बड़ी मुश्किल होती है। हम बात कर रहे हैं कुटकी जड़ी बूटी के बारे में। दोस्तों, अगर हम ऐसा कहें कि ये जड़ी बूटी 20 बीमारियों का एक इलाज है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लिवर से जुड़ी बीमारी, किडनी से जुड़ी बीमारी, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी ये एक रामबाण इलाज है। जिन लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं हैं या ज़्यादा धूल मिट्टी में या प्रदूषण में उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है और कोई भी दवाई आपको सूट नहीं करती तो आप इस जड़ी बूटी को ले सकते हैं। खैर, ये तो हमने आपको कुछ ही बीमारी बताई है, आगे वीडियो में बताएंगे कि एक जड़ी बूटी कुटकी कितनी बीमारियों का इलाज बन सकती है, साथ ही इसको लेने का तरीका भी बताएंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप कुटकी के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कुटकी जो जड़ी बूटी है वो थोड़ी ठंडी होती है। ऐसे में जिन लोगों को अक्सर जुखाम रहता है या अक्सर सर्दी रहती है, गला खराब रहता है, खांसी रहती है, ऐसे में वो कुटकी का सेवन किसी गर्म चीज़ के साथ करें, जैसे कि शहद के साथ आप कर लें, गुनगुने दूध के साथ, गुनगुने पानी के साथ, या फिर आप कुटकी का काढ़ा बना के भी सेवन कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये किन किन बीमारियों में आपके लिए फ़ायदा पहुंचाएगी। अगर आप अपने शरीर पर फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली से परेशान रहते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ लगा ली, महंगी महंगी दवाइयाँ खा भी ली, फिर भी ये बीमारी जड़ से नहीं जाती, तो आप कुटकी को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके सेवन से खून साफ होता है और अगर आपका खून साफ होगा तो फोड़े, फुंसी, दाद, खाज, खुजली जड़ से मिट जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें, इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। खून से संबंधित सभी बीमारियों का खतरा भी कुटकी खाने से बहुत कम हो जाता है। अब इसका सेवन कैसे करें? 2.5 से 3 इंच का कुटकी का आप टुकड़ा ले लें। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप कुटकी के इस टुकड़े को शहद में डिबोएं और मुंह में रख लें। करीब 25 से 30 मिनट चूसने के बाद चाहें तो आप इसे खा लें, क्योंकि ये चूसने के बाद काफी सॉफ्ट हो जाएगी, और चाहें तो फेंक दें। लेकिन वहीं अगर आपको शुगर है तो ये जान लें कि कुटकी थोड़ी सी कड़वी है। अगर आपको अपनी बीमारियों का इलाज चाहिए तो कुटकी का ये टुकड़ा आपको कड़वा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये कड़वी दवाई आपकी 100 बीमारियों का एक इलाज है। बात करते हैं जिन लोगों को ज्यादा जुखाम, सर्दी, खांसी, गले में दर्द, गले में खराश रहती है, वो कैसे लें। आप इसका काढ़ा बना लें और सुबह खाली पेट लें। इसके अलावा आप कुटकी का चूर्ण मार्केट में बहुत इजीली मिलता है, इसको ले लें और इसकी फांकी मारकर एक ग्लास पानी यानी गुनगुना पानी इस पर पी लें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, सुबह खाली पेट आपको ये उपाय करने हैं। कुटकी का स्वाद कड़वा होता है, इसके लिए डायबिटीज के मरीज भी कुटकी आराम से खा सकते हैं। इसके सेवन से शुगर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा जो शुगर से होने वाली साइड इफेक्ट हैं उनसे भी शरीर को कुटकी जड़ी बूटी बचाती है। आप चाहें तो इसे सुबह दूध के साथ चूर्ण के फॉर्म में खाली पेट ले सकते हैं, नहीं तो आप कुटकी का 2.5 से 3 इंच का टुकड़ा सुबह खाली पेट मुंह में दबा लें, ये आपको फायदा करेगा। लेकिन याद रखें, आपको ये शहद के साथ नहीं लेना है। दोस्तों, जिन लोगों को बार बार बुखार होने की समस्या होती है, हल्का बुखार ही हो लेकिन बार बार बुखार आता है, तो ऐसे में कुटकी जड़ी बूटी बहुत फायदेमंद है। कुटकी को या तो आप चूस के लें, काढ़ा बना के लें, दूध के साथ लें या गुनगुने पानी के साथ ले लें, ये आपको नुकसान नहीं करेगी। कोशिश करें सुबह के वक्त खाली पेट ले लें तो ज़्यादा असरकारक है, नहीं तो दिन में कभी भी लें, लेकिन खाने से 30 से 40 मिनट पहले लें। दोस्तों, किडनी से जुड़ी बीमारी या फिर लिवर से जुड़ी बीमारी के लिए ये एक बहुत ही असरदार जड़ी बूटी है।
आपको बता दें कुटकी का सेवन पित्त दोष को ठीक करने के लिए भी फायदेमंद माना गया है। अगर पित्त दोष ठीक होगा तो लिवर किडनी से जुड़ी बीमारियां खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, लेकिन लिवर और किडनी की ज्यादा गंभीर कंडीशन में आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें। दोस्तों जिन लोगों को गठिया की दिक्कत है वो लोग कुटकी को जरूर लें। गठिया में आप सुबह खाली पेट कुटकी को आप दूध के साथ लें, इसको पाउडर बना लें और दूध के साथ आप इसका सेवन करें तो आपको ये ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। इसके अलावा जिन लोगों को सांस से रिलेटेड परेशानियां हैं, जैसे एस्थमा हो गया या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया, जिन लोगों को ये दिक्कतें हैं तो वो कुटकी का इस्तेमाल जरूर करें। आपको कुटकी जड़ी बूटी जैसे कि हमने आपको बताया है उस तरीके से लेनी है, लेकिन आपको ये रेगुलर लेनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।